हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन मैं वीडियो लेकर आया हूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स थे कि सर प्लीज़ ये बताइए, अगर हमें डिफेंस में, आर्मी में या किसी भी जॉब में जाना है तो जो हमारी बॉडी पे टैटू है, आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर, मैंने टैटू बनवाया है जब मैं घूमने गया था गोवा, ठीक है, मेरे यहाँ पर भी बना हुआ है, तो क्या इस तरह का टैटू वर्जित है, क्या उससे हमारी जॉब नहीं लगेगी। कि अगर हमने कोई टैटू बना लिया, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर ओम लिखवा लेते हैं, अपना नाम लिखवा लेते हैं, कुछ भी, तो ऐसे में क्या आप गवर्नमेंट जॉब किसी भी में नहीं जा सकते। ये ऐसी कौन सी जॉब है जहाँ पे आप जा सकते हो, कौन सी जॉब है जहाँ पे नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते। और आपको पता है जो नया रूल आया है उसमें कुछ तरह के टैटू जो है वो यहाँ पर सरकार ने अलाउ कर दिए हैं, वो कौन से टैटू हैं, तो ऐसी हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो को पूरा देखें और मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की मोर अपडेट्स के लिए। गाइज़, अगर आज बात करें तो कुछ वैकेंसीज़ ऐसी हैं ऑल ओवर इंडिया जहां पर अगर आपके बॉडी पर कहीं पर भी टैटू है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जी हाँ, आपको मना कर देंगे। लेकिन टैटू आजकल फैशन हो चुका है, हर तीसरे बंदे के पास आपने कोई ना कोई टैटू देखा होगा। पहले ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती थी, लेकिन अब बहुत इन बजट हो गई हैं, जिस कारण से सभी बनवा लेते हैं। गाइज़, अगर बात करें टैटू की, तो ऐसी कुछ ऐसी वैकेंसी है जैसे बैंक हुआ, SSC हुआ, या इंजीनियर आप बनना चाहते हैं, रेलवे में आप जाना चाहते हैं, PWD डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, किसी में भी प्रोफेशनली ऑफिसर बनना चाहते हैं, इन सभी डिपार्टमेंट में आपको टैटू होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यानी कि यहाँ पे आपका टैटू भी है तब भी आप अच्छे से जॉब ले लोगे, आपको कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट हैं देश में, जैसे मैं आपको IPS की एग्ज़ाम्स होते हैं, इंडियन पुलिस फोर्स के या पुलिस आपके सर्विसेज के, जो UPSC कराता है, उसके अलावा CRPF है, या डिफेंस के तीनों विंग है हमारी, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इन सभी जगह पर ITBP है, ICISF है, ठीक है, ऐसी BSF है, इन सभी पोस्ट पर, इन सभी जगह पर आप चाहे किसी भी लेवल पर अप्लाई कर रहे हो, आपकी बॉडी पर अगर टैटू है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन जो न्यू रूल आया है, उस न्यू रूल में यहाँ पर छूट मिली है। अब वो छूट क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। वो छूट है गाइस कि जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया में अलग अलग धर्म में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जातियों में कुछ नाम वगैरह या भगवान का कोई चिन्ह या कुछ छपवा लेते हैं, बचपन में ही अपने बच्चे के छपवा देते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर रहता है या यहाँ पर रहता है रिक्स पर, या फिर हमारी कोनी के आसपास रहता है। तो इस तरह के लिए जब दिल्ली हाई कोर्ट में केस गया, तो यहाँ पे कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो यही आया कि अगर कोई धार्मिक चीज़ें से रिलेटेड है और उसके लिए डॉक्टर अगर परमिशन दे दे कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बच्चों टैटू से HIV, जी हाँ, HIV आप जानते हैं, HIV पॉजिटिव एड्स वगैरह का खतरा रहता है टैटू से, तो जोखिम बना रहता है, जिस कारण से आर्मी या किसी भी फोर्स में आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास, आप आर्मी वगैरह में अप्लाई कर रहे हो, तो आपने भगवान का कोई ओम वगैरह बनवाया हुआ या कोई और चीन है, या आपका रिस्ट पे कोई छोटा सा टैटू है जो आपके नाम का, आपके मम्मी पापा का नेम का है, या इधर कोई है, और वो डॉक्टर उसका सर्टिफिकेट दे दे कि नहीं, इन्हें कोई बीमारी नहीं है, इससे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, तो आपको एक बार को जॉब मिल सकती है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट्स। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, अगर आपके बॉडी पर अभी तक कोई टैटू नहीं है तो कृपया करके ना बनवाएं, और जिन्होंने टैटू बनवा लिया है वो प्लीज़ उसे हटवाने की कोशिश ना करें। मेरे फ्रेंड के साथ एक इंसिडेंट हुआ, मैं आपको बताता हूँ। ये टैटू मैंने बनवाया था गोवा से, हम लोग गोवा गए हुए थे 3 फ्रेंड, वहाँ पर मेरे एक फ्रेंड जो साथ में था उन्होंने टैटू बनवा लिया, और वो टैटू गलती से उनके, मतलब जहाँ बनवाना चाहिए था नहीं, ऐसी जगह बन गया जो सबको दिख रहा है, एक कॉमन जगह पर, तो ऐसे में अब उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने आकर, वो टैटू बना था सिर्फ 500 रुपये में, लेकिन जब आकर उन्होंने उस टैटू को निकलवाने की कोशिश की तो 3 से 4 हज़ार रुपये लगे, वो बीमार हो गए, उनको इन्फेक्शन हो गया, और टैटू का निशान अब तक भी नहीं गया। हमारी बॉडी में 6 लेयर्स होती हैं खाल की, जो टैटू ये होते हैं ये 6 लेयर तक जाते हैं। अब आप सोचिए, आप अगर इसे हटाना चाहेंगे तो केवल 1 लेयर या 2 लेयर ही हटेगी, बाकी तो रहेगी ना, तो कभी भी पूरा टैटू नहीं हटता। जो लोग हटाते हैं, हटा भी देते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो आइए, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।